हाय गाइस, अगर आप वाकई में ही किसी चीज में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी चीज में आपको रिजल्ट्स मिले, तो प्लीज कभी भी स्टार्टिंग में ही क्वालिटी पर फोकस मत करना कि वो काम की क्वालिटी कैसी है, मैं जो कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। हमेशा क्वांटिटी पर स्टार्टिंग में फोकस करो, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। जहां आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया उस काम में, आपका अपने आप मन करने लगेगा कि मैं उसमें क्वालिटी भी इंट्रोड्यूस करूं, उसको और अच्छे से करूं। बट स्टार्टिंग में कभी भी क्वालिटी पर फोकस ना करिए, कंसिस्टेंसी पर हमेशा फोकस करिए, वो चीज इंप्रूव होती जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है, ध्यान से समझिए आप जो चीज कर रहे हैं क्या उसको पहले किसी और ने किया हुआ है। अगर पहले वो काम किसी ने किया है, रीड अबाउट दैट पर्सन, उसको देखो, लिखो इवन कि उसने क्या क्या किया है, मैं इसमें से क्या क्या उठा के कर सकती हूं या कर सकता हूं। लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज सेटिंग डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स हमें सेट करने हैं उस चीज में जिसमें हम एक्सेल करना चाह रहे हैं। आप ट्रस्ट करो, इन तीन पॉइंट्स को करना स्टार्ट करो, उस चीज में आप बेहतर होते जाओगे। हर दिन आपको वो रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, भले ही आप उस चीज को आधे घंटे के लिए करना चाहो, 10 मिनट के लिए करना चाहो, 2 घंटे के लिए करना चाहो। डेली टारगेट सेट होने जरूरी है कि आज इतना ही इस चीज को करना है, कल इतना इस चीज को करना है। ज्यादा भी मत करिए, आपकी भूख बनी रहनी चाहिए, एक जो हंगर है ना वो आपकी रहनी चाहिए उस चीज के लिए। इसलिए ओवर भी कोई चीज मत करो, आराम से करो, धीरे धीरे करो, एंड टारगेट्स जरूर सेट करो।